Hello students, today we are going to read chapter 1st of English of class 9, The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ माता पिता के साथ मेला देखने जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वह खुश और उत्साहित है क्योंकि वह वहाँ पर खिलौने और मिठाइयाँ खरीदना चाहता है. बट हीज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, परंतु उसके माता पिता उसको वह चीज़ें नहीं लेकर देते. वाई देम डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्ड देम टू हिम, उसको कोई दूसरा व्यक्ति वही चीज़ें ऑफर करता है, दिलाता है, लेकिन वो बच्चा उन्हें लेने के लिए मना कर देता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, फेस्टिवल त्यौहार. यह बसंत ऋतु का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इन रस्ट ए गैली एंड क्लैड ह्यूमिडिटी. जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, जब बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, तब यह त्यौहार आता है, यह फेस्टिवल आता है. सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स एट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ घोड़ों की सवारी करते हैं, कुछ बैठे हुए हैं और कुछ लोगों ने बैम्बू उठाए हुए हैं और कुछ बैलगाड़ी पर इधर उधर आ रहे हैं. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ दौड़ता हुआ खुशी से अपने जीवन में खुश होकर उत्साहित होता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. आओ बच्चों आओ उसके माता पिता कहते हैं. एज ही लेफ्ट बिहाइंड, और वह उनके पीछे चलता है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीन द वे, वह उनके पीछे जरूर जाता है लेकिन उसकी आंखें उसी खिलौने वाली दुकानों पर ही टिकी रहती हैं. ही हरेड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल हिज आई स्टिल लिंकिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज. वह अपने माता पिता के बुलाने पर तेज उसके पैर तो जरूर चलते हैं उनका कहना मानकर, लेकिन उसकी आंखें उसी खिलौने वाली दुकान को देख रही होती हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन थो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. जैसे ही वह उनके माता पिता रुके होते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, वह उनके पीछे जाता है, परंतु फिर भी उसके जो मन में इच्छाएं होती हैं वह उनको प्रकट नहीं कर पाता. आई वेंट दैट वाई ही प्लीडेड, मैं खिलौने चाहता हूँ, वह अपनी इच्छा अपने माता पिता के सामने प्रकट करता है. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, उसके पिता उसको गुस्से भरी और भयानक नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. उसकी माता उसके विचारों से कुछ पिघलती है और उसे समझाती हुई, उसे प्यार से सहलाती हुई उसकी उंगली पकड़ती है और कहती है, बेटा यह देखो तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइकिंग मल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. यह देखो बहुत सारे सरसों के खेत हैं जो कि जिसमें ऐसे नज़र आ रहा है जैसे किसी ने सोना पिघला कर
चारों तरफ दूरों दूर तक बिखेर दिया है. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. एक ग्रुप जो ड्रैगन फ्लाई का एक ग्रुप और बहुत सारी मछलियाँ सो बहुत सारी तितलियाँ और मधुमक्खियाँ फूलों के ऊपर शहद की तलाश कर रही थी. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest and he would try to catch it. बच्चा हवा में उनको इधर उधर भागते हुए दौड़ते हुए देख रहा था और भी थोड़ा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए रुके या कहीं पर रेस्ट करें या कहीं पर बैठे. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. जैसे ही बच्चा उनको मक्खियों को पकड़ता है तो वो उसके हाथों से हवा में उड़ने के लिए फड़फड़ाती हैं. देन हिज मदर गेव ए कैशनरी कॉल कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ. फिर उसकी माताजी उसको आवाज़ देती हैं कि आओ बच्चा आओ फुटपाथ की तरफ चलो. यहाँ पर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है. अब नेक्स्ट पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.